फ्राइडे। तो भाई आज है फ्राइडे और अभी बज गए हैं फ्राइडे को शाम के 9। दिख नहीं रहा होगा पर मैं बता देता हूँ, 9 बज गए हैं। तो भाई आज हम क्या खाने वाले हैं? फ्राइडे को अपने घर पे नहीं बनता है खाना। फ्राइडे को फ्राइडे को ना ना काम चोर हो काम चोर जाते हो हैं जाते लड़के हैं लड़के अपने अपने और और खाना खाना बनाते नहीं बनाते नहीं है। है। तो अब खाना नहीं बनाते तो भाई पेटी 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 पाप पेपी क्या बोलते हैं अपना भाई, पेट भरने के लिए कुछ तो खाएंगे ना। आज हम डिनर में खा रहे हैं अंडे, तो अंडे खाने के लिए अंडे होने चाहिए। अंडे तो हैं पर कौन से वाले हैं? सफेद वाले मेरे को थोड़ी सी बुरी आदत हो गई है यहाँ पे आके कि मैं वो अपने देसी अंडे वाले जो होते हैं, देसी मुर्गी वाले, हालांकि होते हैं नहीं होते मेरे को नहीं पता, मैं वो खाता हूँ, थोड़े से हल्के से महंगे होते हैं। तो आज मैं क्या करता हूँ कि आज मैं आपको लेके चलता हूँ वॉलमार्ट में। वॉलमार्ट 11 बजे तक खुला हुआ है तो अपने पास 2 घंटे हैं, आराम से जा सकते हैं वॉलमार्ट अभी। पर रात हो गई है, वैसे अभी ठंड चल रही है। आपने मेरा पुराना व्लॉग देखा होगा जहाँ मैं स्नो हटा रहा था, तो स्नो आज भी गिरी है, -14 में टेम्परेचर भी था। तो आज हम अभी तैयार होके जैकेट वैकेट पहन के, जूते वूते पहन के तब चलेंगे। पर उससे पहले मैं क्या सोच रहा था आपको बताने की, हाँ आज हम अंडों के रेट भी देखने वाले हैं कि कनाडा में अंडे कितने प्रकार के होते हैं। पहली बात तो वैरायटी देखेंगे, वॉलमार्ट में ही देख लेंगे, आपको वहीं पे दिखा दूंगा मैं, रेट भी देख लेंगे उनके। तो भाई कनाडा देखना है और बढ़िया बढ़िया देखना है। अभी तो स्नो चल रही है तो मैं असली कनाडा तो आपको दिखा ही नहीं पा रहा हूँ, पर जब स्नो हट जाएगी तो भाई इतना अमेजिंग कनाडा दिखाऊंगा। बाय दैट टाइम आई विल हैव अ बेटर कैमरा एज वेल, तो आई कैन शो यू अ बेटर पिक्चर्स। तो अब आज हम जाके देखते हैं कि कितने प्रकार के अंडे हैं कनाडा में, क्या क्या उनका रेट है। तो चलो फिर बर आप में से कौन कौन हर दिन अंडे खाता है तो कमेंट करके बताऊं। मैं तो भाई रोज खाता हूं, ऑफिस में जाने से पहले सुबह ब्रेकफास्ट में अंडे खाओ और मौज लो। देखो यार ये गाड़ी की हेडलाइट में मैं दिखा देता हूँ, ये पूरा स्नो है। वाह अभी करंटली -14 के अराउंड टेम्परेचर है। चलो यार बैठते हैं गाड़ी में, चलते हैं। वॉलमार्ट में आ गए हैं, हम चलते हैं एंट्री लेते हैं। ये देखो लेफ्ट साइड में एक होमलेस बैठा हुआ है बंदा। ये पूरे फ्लोरिंग वाइट हो रखी है आजकल, क्योंकि बाहर सड़कों पे नमक डाला हुआ है तो सब, ये देखो यहाँ पे सब मिल जाता है भाई। ये देखो यहाँ से लेके ये फ्रूट सब्जियाँ हैं सब मिलता है एक ही शॉप में। जूसेस ग्रोसरी कपड़े वो देखो, अंडे बिल्कुल आखिरी वाली शेल्फ में रखे रहते हैं पीछे, तो हम वहाँ से जाके उठाएंगे। ये पूरा ड्रिंक्स वाला सेक्शन है, ड्रिंक्स पे वॉलमार्ट में ही मिल जाती है यहाँ पे, तो आपको बाहर जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। एक ही शॉप में आओ और अपने पूरे घर की पूरे वीकली जो भी आपको शॉपिंग करनी है वो करके और आप जा सकते हो। ये देखो भाई ये हम आ गए हैं अभी अंडे वाले सेल्फ में, देखो कितने टाइप के अंडे हैं। ये देखो पूरा अंडे से भरा हुआ है, ये आप देख पा रहे हो। ये देखो ये हैं और ये नीचे इनके रेट लिखे हुए हैं,
$6.57 का 18 अंडे हैं, साइज लार्ज है, साइज लार्ज होता है, एक्स्ट्रा लार्ज होता है। ये भाई ये पैक है 18 का, ये पैक है 12 का, इसका प्राइस है $2.64। ये ग्रेट वैल्यू एग्स हैं, ये वॉलमार्ट का अपना खुद का प्रोडक्ट है, इसकी वैल्यू इन्होंने रखी है $4.68। एंड ये देखो भाई ये एग, ये लेके चलेंगे अपन, हमें ये लेना है $6.37 का है। दो टाइप की बिलिंग है, एक तो मैनुअल है जैसे आप नए इंडिया में भी होती है कि आप काउंटर पे जाओ और वहाँ पे आप पे करो, एंड देन एक ये होती है, ये देखो यहाँ पे स्कैन कर दो, यहाँ पे नंबर 2 है, यहाँ देखो मेरी वीडियो भी आ रही है, तो यहाँ पे अब हम इसको स्कैन कर देंगे, इसका बार कोड है, इसको देखो मैं यहाँ डालूँगा, तो यहाँ पे ये आ गया $6.36। तो मैंने आपको बताया था पहले भी, इसको ये बैगिंग एरिया है, इसमें आप रख दो, बैगिंग एरिया में रख दो और अपने यहाँ पे दबाओ फिनिशन पे कि सारे आइटम स्कैन कर लिए। डोनेशन 0, बैग नहीं लिया हमने एक भी, तो 0 डालेंगे और हम क्रेडिट कार्ड से पे करेंगे। तो भाई देखो ये मैं ले आया हूँ, ठंड बहुत है, तो अंदर बैठ के गाड़ी के फिर बात करते हैं यार, काफ़ी ठंड है। गाड़ी खोलो भाई, मेरे साथ कोई है नहीं आज, तो मैं अब घर चलता हूँ, घर चल के बात करते हैं। चलो भाई घर पहुँच गए हैं, अंडे ले आया हूँ, अब अपने पास दोनों अंडे हैं, एक वाइट वाला भी है और अपने वाला जो अपन खाते हैं वो भी है, डिफरेंस देख लेते हैं दोनों के, न्यूट्रिशन वैल्यू देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये वाला देख, तो भाई ये है, अब ये देख लेते हैं, देखो ग्रेट वैल्यू, ग्रेट वैल्यू क्या है कि वॉलमार्ट का खुद का प्रोडक्ट है ये, इसलिए ग्रेट वैल्यू के नाम से बेचता है वॉलमार्ट, तो वो ग्रेट वैल्यू के ऑर्गेनिक ये अपने अंडे हैं, और इसके 12 अंडे आते हैं देखो इसमें, और इसमें डेट है, मैंने पहले भी दिखाई थी आपको शायद, पता नहीं, ओके इसमें डेट है, एक्सपायरी डेट अपनी ये देखो 16 मार्च तक हम अंडे खा सकते हैं। और भाई ये देखो प्रोडक्ट ऑफ कैनेडा, कैनेडा का प्रोडक्ट है ये यहाँ से है, और ये कहाँ, ये एड्रेस है उसका, टोरंटो जीटीए एरिया में ये एक जगह है, मेरा ऑफिस भी मिसागा में ही है, तो ये है अपना, अब इसको खोलते हैं हम देखते हैं। ये देखो भाई ये बिल्कुल ठंडा हो रखा अंडा, बिल्कुल खराब नहीं होने देते, जब तक टाइम होता है तब तक खा सकते हैं। और ये देखो भाई न्यूट्रिशन वैल्यू लिखी हुई है इस पूरे की इसमें क्या क्या है, ये देखो आप, एज का प्रोडक्ट है ये, प्रीमियम ब्रांड है, इसके अलग भी ब्रांड आते हैं, और इसमें देखो ये लार्ज अंडे हैं, इसके एक्स्ट्रा लार्ज भी आते हैं भाई। अब हम इसको खोलते हैं, तो ये अपने व्हाइट वाले इंडिया में भी आते हैं, लार्ज मतलब 23 ग्राम का जो एक अंडा है उसमें क्या क्या आपको लगभग मिलेगा अप्रोक्स, वो पूरा उन्होंने न्यूट्रिशनल फैक्ट बता दिया, सेम उसके जैसे इसकी भी आपको एक्सपायरी डेट मिलेगी। तो भाई अब देख लेते हैं कि ये कितने के लेके आए थे हम, उस हिसाब से एक अंडा कितने का पड़ा, $6.37 है, आज डॉलर की कीमत लगभग ₹53 है, तो $53 को $6.37 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक अंडा लगभग ₹28 का पड़ता है भाई, एक अंडा ₹28 का, इंडिया में तो भाई ट्रे आ जावे ₹30-40 की लगभग, ये एक अंडा है ₹28 का। तो भाई देख लिया आपने कनाडा में अंडे का प्राइस, और अंडे भी देख लिए कितने टाइप के आते हैं, मैंने वॉलमार्ट में आपको सारे अंडे दिखा दिए हैं, और ये जो अपना अंडा है ये ₹28 का एक अंडा पड़ता है, और ये वाला व्हाइट वाला ₹14 का लगभग पड़ता है, जो मैंने हिसाब लगाया है उसके हिसाब से। तो भाई ये थी आज की वीडियो अंडों के ऊपर, और आपने देख लिया दोनों ही अंडे के प्राइस, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप ऐसी वीडियो और भी देखना चाहते हो, कनाडा के बारे में जानना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों, ये मेरे को और ज्यादा मोटिवेट करेगा और ज्यादा अच्छा काम करने के लिए। तो बने रहो, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ, किसी अगली नई जगह के साथ, कुछ भी हो सकता है, तो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, टेक केयर, बाय।